नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां कार्रवाई जारी है। गौशाला अनुदान के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया, साथ ही श्री कृष्ण गौशाला अमीरपुर टोडा रायसीन को इस गौशाला को माह जनवरी फरवरी मार्च हेतु कुल 7,28,640 रुपए का भुगतान किया जाना है, जिसमें से जनवरी माह की राशि 2,95,616 रुपए वितरण की जा चुकी है। माह फरवरी एवं मार्च की 2019 के लिए राशि 4,33,024 रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर बिल ट्रेजरी में भिजवाया जा चुका है। अगला प्रश्न ऊपर एक सेकंड, आपका जो दिया हुआ है ये जो आपका परिशिष्ट दो है, इस परिशिष्ट दो में नीचे आपने नोट लगाया हुआ है, कृष्ण गौशाला अमीरपुर तहसील टोडा से एवं श्री राधा गोपाल गौशाला तिलांजू तथा मालपुरा की राशि 5,08,400 का आवंटन किया जा चुका है, शेष राशि के वितरण के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ये सही है जो ये आप बता रहे हो, जो सही है? आज मैंने जो अभी जवाब दिया था, आज की स्थिति जो है वो मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय नेता प्रतिपक्ष जी को मैंने अवगत कराई है। अगला प्रश्न श्री रूपाराम। 156। अध्यक्ष महोदय, खंड एक जी नहीं, फसलों को बेमौसमी बारिश से 50% नुकसान होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को फसल बीमा क्लेम देने का नियम नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपज में हानि होने पर बीमित किसानों को अनुपातिक रूप से बीमा क्लेम देय होते हैं। खंड दो जी हाँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत विभिन्न वित्तीय संस्थानों से फसल ऋण लेने वाले किसानों का अनिवार्य रूप से फसल बीमा किया जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइन में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपज में हानि होने पर बीमित किसानों को आनुपातिक रूप से बीमा क्लेम देय होते हैं। खंड तीन, जिला कलेक्टर सहायता नागौर से प्राप्त सूचना के अनुसार विधानसभा क्षेत्र मकराना के कुछ गांवों में 7 अप्रैल 2019 को बेमौसमी बरसात हुई, जिससे विभिन्न फसलों में हुए नुकसान का सर्वे कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया गया। कृषि विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भयाकला, डोबड़ी कला, गच्छीपुरा, ससावड़ा, रानी गांव, खारडिया, घेड़ा कला में 75% क्षेत्र में फसलों की कटाई हो चुकी थी एवं शेष 25% क्षेत्र की फसल में से 7-8% नुकसान सर्वे के अंतर्गत पाया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान तथा स्थानिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसानों का व्यक्तिगत आधार पर आकलन किया जाता है, जिसमें बीमित कृषकों को नुकसान के 72 घंटों के भीतर सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर लिखित में अधिकतम 7 दिवस में अपने ऋणदाता बैंक के माध्यम से या कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से संबंधित बीमा कंपनी को सूचित करना आवश्यक है। दिनांक 7-4-2019 को मकराना तहसील में हुए नुकसान के संबंध में व्यक्तिगत आकलन हेतु उक्त माध्यमों से किसी भी बीमित कृषक द्वारा बीमा कंपनी को सूचना प्राप्त नहीं हुई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र तथा फसल में निर्धारित संख्या में नियोजित फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर रवि 2018-19 के बीमा क्लेमों की गणना के उपरांत अधिसूचित बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पात्र बीमित कृषकों को बीमा क्लेम का वितरण किया जाएगा। खंड चार, हाँ ये सही है कि विधानसभा क्षेत्र मकराना में फसल खराबे के संबंध में माननीय विधायक महोदय का पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी पालना में विभिन्न फसलों में नुकसान का सर्वे कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा कराया गया। प्राप्त पत्र की प्रति परिशिष्ट एक पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहूँगा, खंड एक में उपज में हानि होने पर बीमित किसानों को अनुपातित रूप से बीमा क्लेम दे है तो अभी तक मकराने में कितने किसानों को किस बैंकों से बीमा कंपनियों ने फायदा दिया है? दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी किसानों को इस बात से वो जानकार नहीं है कि
फसल का नुकसान होने के बाद में 7 दिन के अंदर अंदर उनको बीमा कंपनियों को सूचना दी जाती है। इसलिए मेरा आपसे यही है क्या सरकार किसानों को नियमों की जानकारी कराने हेतु कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है ताकि किसानों को बीमा कंपनियों के फरेब से बचाया जा सके। दूसरा, क्या सरकार मकराने में पीड़ित किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने का विचार रखती है? हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा समय समय पर मेलों, किसान गोष्ठियों, किसान दिवस और दूरदर्शन, कृषि दर्शन कार्यक्रम और आकाशवाणी के माध्यम से विभाग द्वारा पूरी जानकारी दी जाती है और समय समय पर किसान गोष्ठियां और आत्मा के द्वारा मेले लगाकर किसानों को जानकारी दी जाती है। रही बात आपके नागौर जिले की, आपके मकराना तहसील से किसी भी किसान ने, तो मैं आपको दिखाया हमने विधानसभा से लाइव तस्वीरें जहां लगातार कार्रवाई जारी है, साथ ही बजट पर विधानसभा में चर्चा की जा रही है। तो वहीं इसी को लेकर हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रमेश जी, लगातार जो विधानसभा है उसमें प्रश्नकाल जारी है, जहां पर जो विपक्ष है वो जो राज्य सरकार है उसको बजट को लेकर लगातार घेर रहा है। क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है? आयुषी बता दें कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया था 10 तारीख को, तब से लगा करके अब मतलब लगभग 4-5 दिन से जो है बजट के ऊपर बहस जारी है और विधानसभा में, सदन में विधायक अपने अपने इलाकों की समस्याओं के साथ में इस बजट में जो सरकार प्रावधान चाहती है उनके ऊपर भी उनके विचार आए हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस बजट के ऊपर जो चर्चाएं हुई है उसमें राज्य की तमाम जो समस्याएं हैं लोगों से जुड़ी हुई वो उभर कर के सामने आई, चाहे वह क्षेत्रीय हो, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या सामाजिक रूप से। कुल मिलाकर अगर ये कहें तो सरकार इस बजट के माध्यम से इस राज्य के विकास के लिए जो जो प्रावधान इस सदन से स्वीकृति के रूप में चाहती है वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है 10 तारीख को बजट पेश करके अपनी मंशा जता दी, इस सरकार की मंशा जता दी। और कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र के अनुरूप जो वायदे करके जो सरकार सत्ता में आई है तो उस सरकार के ऊपर भी एक जो है मजबूरी कह लो या एक बाध्यता कह लो या एक दायित्व कह लो, कुछ भी कह लो, सरकार अपनी उन जन कल्याणकारी घोषणाओं को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज एलोकेशन की जो बात करता है वह बजट के माध्यम से सामने आता है। लिहाजा इन 4 दिनों में लगातार बजट के ऊपर जो है विधायक अलग अलग जो है अपने तरीके से विचार व्यक्त कर रहे हैं और इस बजट की खूबियाँ और इस बजट की जो कमियाँ हैं वह जो है अपनी बात के माध्यम से रख रहे हैं। कुल मिलाकर अगर बात कहें तो 10 तारीख से लगा करके आज शाम 5 बजे तक जो बजट से संबंधित विधायकों के जो विचार है या सदन की जो एक जो आम जो सहमति के रूप में उभर करके सामने आया उसके ऊपर सरकार अपना मंतव्य जवाब के रूप में पेश करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शाम को लगभग शाम को 5 बजे के आसपास जो है अपना जो है रिप्लाई देंगे। इस 4 दिन की जो बहस के दौरान जो जो विषय उभर करके सामने हैं, जो जो दिक्कतें सामने आई हैं या उन्होंने जो बजट के जो प्रावधान किए हैं, पैसे किस तरह से आएगा, खर्चा किस तरह से होगा, इसके ऊपर जो पक्ष और विपक्ष का जो विचार सामने आया है उनके ऊपर वो एक जो है अपना सरकार का जो है एजेंडा फिक्स करेंगे। ये बताएंगे कि इस बजट के माध्यम से जो है विकास की यात्रा इस वित्तीय वर्ष में किस तरह से रहने वाली है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो अब शाम को 5 बजे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जो है उत्तर देंगे इस बजट के माध्यम से, तब पूरी जो तस्वीर उभर करके सामने आएगी कि वो किस तरह से इस राज्य को आगे ले जाना चाहता है। आर्थिक मामले में बता दें कि बजट एक आर्थिक दस्तावेज होता है जिसमें कि इस राज्य में किस तरह से जो है पैसों का रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा और किन किन विषयों पर वो वापस खर्च किया जाएगा और कहां से जो है पैसा जनरेट होगा, तो इन तमाम जो है एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज के आधार पर ये तय होगा कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य में विकास की धारा किस दिशा में जा रही है। जी आयुषी
जी रमेश जी, कहीं ना कहीं जो अहम मुद्दा है इस वक्त का, सबसे अहम मुद्दा है किसानों की परेशानी। लगातार जो सरकार है किसानों के बारे में बातचीत कर रही थी, अपने बजट में भी सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं निकाली है, तो कहीं ना कहीं हम जब देख रहे हैं जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं जो किसानों के लिए सरकार द्वारा योजनाएं निकाली गई है उसको लेकर लगातार अब भी जो विपक्ष है वो उनको घेरता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी हमने जब देखा कि प्रश्नकाल में विपक्ष है वो किसानों के मुद्दे पर सरकार को कहीं ना कहीं घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या कुछ आप कहेंगे इस पर? सही कह रही हैं आप के किसानों का जो मसला है, खास करके जो कर्ज माफी का मसला है, वो सरकार के ऊपर एक दबाव है। वह वायदे करके तो इस सत्ता में आ गई, लेकिन उन किसान कर्ज माफी का जो तरीका क्या होगा, उसकी समस्याओं को किस तरह से जो है सॉल्व किया जाएगा, इसके ऊपर वो थ्योरेटिकली बात करी, प्रैक्टिकली उसने कुछ नहीं कहा था। उस दौर में भी जब वह विधानसभा चुनाव के दौरान जो है लोगों के बीच में जा रहे थे, तो कांग्रेस इस सरकार के ऊपर एक किसानों का जो दबाव है कर्ज माफी का, वह बहुत भारी है। और इन पिछले 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव के बाद से लगा करके लोकसभा चुनाव तक यह किसानों का जो मसला है और खास करके जो कर्ज माफी का मसला है, वह सरकार या कह दे कि कांग्रेस बैकफुट पे रही है, वह यह नहीं बता पाई कि किस तरह से इस समस्या का समाधान होगा। चाहे वह जो है बैंकों के जो लोन है वो ऋण माफी का है, या जो सहकारी बैंकों से जो लोन लिए गए वो है फसली ऋण है, या जो कमर्शियल बैंकों से जो लोन लिए गए उनका अभी तक भी कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं हुआ। लिहाजा इस बजट जो है सेशन के दौरान भी और इस बजट पेश करने के बाद भी विपक्ष लगातार सरकार से यह सवाल पूछता आया है कि किस तरह से आप इस कर्ज माफी के जो मसले को हल करोगे, क्योंकि आपने जो 300 करोड़ रुपए का जो टैक्स लगाया है और जो खर्चा जो बताया गया है उसमें कहीं तालमेल नहीं आ रहा। और जी रमेश जी, फिलहाल आपका बने रहिए आप हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे हम। लगातार विधानसभा में बजट को लेकर चर्चा जारी है, जहां जो पक्ष है वो विपक्ष है वो लगातार राज्य सरकार को बजट को लेकर घेरती भी नजर आ रही है। तो आप सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, ये विधानसभा से जहां बजट लेकर चर्चा जारी है। पीपीपी मोड का एक ही प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो अधूरे कार्य पड़े हैं। मेरा आपके माध्यम से ये निवेदन है कि क्या सरकार और क्या आपका विभाग ऐसे प्रोजेक्टों को पूर्ण करने के लिए मैं इतने जानना चाहता हूँ कि क्या विभाग इसके ऊपर कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर नियुक्त करने का विचार रखते हैं क्या, ताकि निर्धारित समय के अंदर काम प्रारंभ हो गया उसकी समाप्ति हो सके। अध्यक्ष जी, हर प्रोजेक्ट के लिए एक इंडिपेंडेंट इंजीनियर हम अपॉइंट करते हैं। ये प्रोजेक्ट था डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेसिस पर, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सका। जो सदस्य कह रहे हैं उस पर पुनर्विचार करेंगे। अगला प्रश्न नरेंद्र नागर, प्रश्न संख्या 160। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड एक। जी हाँ, कृषि उपज मंडी समिति खानपुर के अंतर्गत आने वाले गांवों में 17 गांव सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, सूची परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड दो, कृषि उपज मंडी समिति खानपुर से उक्त 17 गांवों में से एक ग्राम खुंजा और ग्राम अणगोरा को संपर्क सड़क से जोड़ने के हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है, प्राप्त प्रस्ताव परीक्षाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि खानपुर मंडी द्वारा खुजा और अनगोड़ा के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए माननीय मंत्री महोदय के पास भेजे गए और उनको आपने जवाब दिया कि प्राप्त प्रस्ताव परीक्षणाधीन है। क्या मंत्री महोदय वहां से जो प्रस्ताव आते हैं उनकी कोई समय सीमा है, या आगे आने वाले 4 साल तक ये परीक्षणाधीन ही रहेंगे? मंत्री महोदय, इसकी समय सीमा तय हो, कितने दिन में अपन इनको वहां से प्रस्ताव आने के बाद उसको सेंशन करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, ऐसी कोई समय सीमा हो तो माननीय मंत्री महोदय बताएं प्लीज। अध्यक्ष महोदय, कृषि उपज मंडी खानपुर के पत्र 6/7/18 के द्वारा ये प्रस्ताव निर्देशालय को प्राप्त हुए थे। उसके बाद विभाग ने प्रस्तावित सड़कों के बाबत
लेआउट प्लान पास लेआउट प्लान के बाबत जो है वो चिन्हित करने के लिए लिखा गया। गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने का प्रमाण पत्र मांगा गया। राजस्व नक्शे के प्रति बजट के अनुसार वरीयता को निश्चित करने के लिए भी कृषि उपज मंडी को लिखा गया। इसके बाद 31/7/18 को अधिशासी अभियंता ये लिखता है कि इसको देखने के लिए ये राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन नहीं है, गैर मुमकिन दर्ज नहीं होने के कारण यहाँ पर हमें एतराज है। दूसरा, फिर इसको जो है पटवारी को भेजा गया, तो पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ग्राम खुंजा पहुंचने वाले कच्चे रास्ते की भूमि चिराचारागाह के किस्म की है और उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन दर्ज नहीं है। अतः पटवारी द्वारा दी गई रिपोर्ट और अधिशासी अभियंता के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर गांव की सड़कों को रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण सड़क निर्माण के कार्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों सड़कों की स्वीकृति जारी नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि बरसों से ये जो दोनों गांव है उनका रास्ता यही है, तो सरकार क्या उनके लिए कुछ अन्य कोई विचार रखती, क्योंकि कहीं ना कहीं सड़कों से वो वंचित नहीं रहे, इसके लिए गैर मुमकिन है तो उसको कहीं ना कहीं रेवेन्यू के माध्यम से उसको स्थायी रूप से कहीं, चूंकि कहीं ना कहीं तो निकलेगा अध्यक्ष महोदय बरसों से वही है, तो ऐसा कोई विचार रखती है, ऐसे कोई प्रस्ताव भेजकर ताकि वो गाँव सड़कों से जुड़ सके, ऐसा कोई विचार मंत्री महोदय रखते हैं? कृषि उपज मंडी के द्वारा जो स्वीकृत होती है सड़कें उनके नियम बने हुए हैं, उनके 7 नियम मैं आपको पढ़कर बता देता हूं, लेकिन उन 7 नियमों में ये दोनों गांव कवर नहीं होते, इसलिए ये संभावना बिल्कुल नहीं है कि यहां पर सड़क बनाई जाएगी। मंडी के वासुदेव देवनानी महोदय, प्रश्न संख्या 161। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में अजमेर शहर में सिटी बस और टेम्पो आदि नगरीय मार्गों के लिए 24 मार्ग स्वीकृत है, जिनका रूट के अनुसार पूरा ब्यौरा परिशिष्ट 1 पर संलग्न मान्य सदस्य को करा दिया गया है। उक्त निर्धारित मार्गों पर मार्ग खुलने से 2018 तक जारी अनुज्ञा पत्र परमिटों संचालित वाहनों की सूचना जो मान्य सदस्य ने मांगी है वो भी परिशिष्ट 2 पर संलग्न कर दी गई है। जी हाँ, प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को नए मार्ग खोलने के लिए पत्र भिजवाए गए हैं। प्रस्ताव प्राप्त होते ही नए मार्ग खोल दिए जाएंगे और नए मार्ग खोले जाने के उपरांत परमिट भी जारी कर दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने पूछा है क्या सरकार बिना परमिट के नगरीय वाहन, माननीय सदस्य जी नहीं, माननीय मंत्री जी प्रश्न पूरा नहीं हुआ, उत्तर अभी आ रहा, उत्तर पूरा बोल चुके हैं जी, नहीं खंड 4 बोल चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला पूरक प्रश्न है, सिटी बसों व टेम्पो के परमिट देने के क्या मापदंड है? खंड 1 में जो आपने 24 नगरीय मार्ग स्वीकृत किए हैं उसमें से 4 रूटों पर एक भी परमिट नहीं दिया गया है, धोला बाटा से पलटन बाजार, नारी शाला से जनाना अस्पताल, पहाड़गंज से जनाना अस्पताल, रामेश्वर विद्यापीठ से जनाना अस्पताल, क्यों नहीं दिया? और 2012 के बाद आबादी का विस्तार हुआ, नई कॉलोनियां बनी है, तो नए रूटों पे आप परमिट कब तक दे देंगे? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि नए रूटों पर परमिट देने की आपके क्या शर्तें हैं? नए रूट पर परमिट जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती है, जनता की डिमांड आती है, जनप्रतिनिधियों की डिमांड आती है और डिमांड कर, तो लगातार आप देख रहे हैं विधानसभा की ये लाइव कार्रवाई जहां बजट को लेकर लगातार चर्चा जारी है। तो वहीं हमारे संवाददाता रमेश पुरोहित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं विधानसभा से। जी रमेश, हम बात कर रहे थे किसानों की, एक अहम मुद्दा किसानों का लगातार रहा है, विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, ये जो किसानों का मुद्दा था लगातार दोनों ही जो चुनाव हुए उनमें लगातार छाया रहा, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष लगातार जो राज्य सरकार है वो इस मुद्दे को लेकर लगातार उनको घेरता रहा था।
कह रही है किसानों का मसला है जो पिछले ये समझ लो आपके 2.5-3 साल से जो है चर्चा में है, राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है, चाहे केंद्र के स्तर पर हो चाहे राज्य के स्तर पर। राज्य के स्तर पर विधानसभा में यह मसला देखने को मिला जब किसानों की कर्ज माफी के मसले को लेकर के कांग्रेस जो है लोगों के बीच में गई थी और यह वादा करके आई थी कि उनके जो है ऋण माफ किए जाएंगे। अब चूंकि वो सरकार में आ चुकी है लिहाजा इस सरकार के ऊपर यह दायित्व अधिक बन रहा है कि वह अपना वो जो वायदा किसानों से करके आई थी वो उसको पूरा करे। लेकिन इन पिछले 6 महीनों में जिस तरह से इस सरकार की जो कार्यशैली रही है किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर के, उसके ऊपर जो है विपक्ष तो सवाल उठा रहा है, किसानों के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति है कि किस तरह से उनके जो है कर्जे माफ़ हो गए। केंद्र ने 6,000 जो रुपये सालाना जो माफ़ करने की जो बात कही थी वो तो अपना पूरा दायित्व कर रही है, लेकिन इस दरमियान आप देखो कि विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव के बीच के अंतराल के दौरान भी केंद्र सरकार ने जो है इसी मसले को लेकर के जो है लोगों के बीच में गई थी और उसने ये भी कहा था कि केंद्र सरकार तो अपना वायदा पूरा कर रही है लेकिन राज्य सरकार किसानों के जो नाम है वह केंद्र को नहीं भेज रही, लिहाजा उनको जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। उसी के वो तो खैर दबाव है ही है, साथ में किसानों की जो यह जो वादा करके आई थी सरकार वह भी अभी तक मैं बता दूं आपको कि पूरा मैकेनिज्म हुआ नहीं, बैंकों से उनसे जो है बातचीत अभी हुई नहीं और ख़ास करके जो सहकारी बैंक है वह तो जो है सरकार उसकी जो शक्ति पूर्ति करते हुए कर सकती है, लेकिन जो कमर्शियल बैंकों का जो पैसा है वह किस तरह से जो है एडजस्टमेंट किया जाएगा, इसी मुद्दे को लेकर के अभी तक कोई इस तरह का जो है काम नहीं हुआ। लिहाजा विपक्ष भी सदन में जब से ये बजट सत्र शुरू हुआ लगातार घेरता आ रहा है कि किसानों की कर्ज माफ़ी को लेकर के जिस मसले को लेकर यह सत्ता में आई है वह सरकार इस अपने वायदे को पूरा कैसे करेगी। दूसरा मैं आपको बता दूं कि युवाओं के मसले को लेकर भी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का जो मामला था वह भी अब ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है कि सवर्ण आरक्षण के जो श्रेणी में जो युवा वर्ग आ रहा है उनका किस तरह से जो है काम होगा, वह भी क्योंकि उनके जो प्रमाण पत्र बनने हैं वो नहीं बन रहे हैं, उसमें भी कई बैरिकेड्स लगा दिए हैं। तो विपक्ष खास करके गुजरात का उदाहरण देते हुए इस सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि जब गुजरात में सिर्फ और सिर्फ जो है 8 लाख की जो सीमा है सालाना वही रखी है, बाकी के बैरिकेड्स हटा दिए हैं, तो राजस्थान में भी गुजरात का फॉर्मूला लागू करके सवर्ण जो आरक्षण जो 10% है वह भी लागू किया जाए। तो कुल मिलाकर क्या कहें कि अब शाम को जब 5 बजे जब मुख्यमंत्री अपना जो बजट का जो उत्तर देंगे उसमें किन किन बातों को और किन किन विषयों को वह लेंगे, किन किन क्षेत्रों में वो और छूट की जो गुंजाइश अगर हो सकती है तो वह छूट देने का भी प्रयास करेंगे, या टैक्सेशन रेवेन्यू का कलेक्शन किस तरह से होगा और जनता को राहत कैसे दी जाएगी, यह सारे जो मसले हैं या ये सारी जो चीज़ें हैं बजट प्रावधान से संबंधित वह शाम को 5 बजे के आसपास जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जो भाषण रिप्लाई देंगे तब उभर करके सामने आएगी कि इस बजट के माध्यम से यह जो सरकार है इस वित्तीय वर्ष में क्या करने जा रही है। जी रमेश जी, जैसे कि हमने लगातार, चलिए ये तो बात थी किसानों की और युवाओं की, जैसे हमने लगातार देखा था कि सरकार बनने से पहले जो सरकार वो तमाम सरकार परिवहन विभाग को लेकर लगातार जो उनके उनसे संबंधित जो उनकी समस्या है उनको समाधान करने की लगातार बातचीत करती थी, लेकिन बजट में हमने देखा जो परिवहन विभाग है उनके लिए कुछ इतना खास इस बजट में देखने को नहीं मिला, जिसका लगातार अब भी जो परिवहन विभाग के लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। रोडवेज और परिवहन से संबंधित जो बात है वो पिछले 2-3 दिनों से प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार कहते आ रहे हैं कि इस मसले में जो भी दिक्कतें हैं किसी के साथ में, चाहे वो टूर ऑपरेटर्स हो या बस कैरिज जो ऑपरेटर्स हो, उन सब की जो समस्याएं जिस तरह से उभर कर सामने आई, और वो कह रहे हैं कि सरकार तक ये सारी जानकारी में है तो वे लोग सरकार के जो प्रतिनिधि है खास करके प्रताप सिंह खाचरियावास जो है संबंधित जो है लोगों के साथ में, संबंधित वर्गों के साथ में, संबंधित समूहों के साथ में बातचीत कर रहे हैं और लगातार जो है इसकी इस
जो आपसी जो बातचीत में जो उभर करके सामने आया, तो कल भी है जो प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि उनकी जो दिक्कतें हैं खास करके रोडवेज से संबंधित और परिवहन से संबंधित जो दिक्कतें हैं तो और लोगों को उससे जो जो समस्याएं उभर करके सामने आई है वो कह रहे हैं कि सरकार को इसकी जानकारी में है और वह अपनी तरफ से सब कुछ करने को वो तैयार है जिससे कि आम लोगों को भी इसके बारे में सहूलियत मिले और खास करके टैक्स से संबंधित जो ट्रांसपोर्टेशन में जो टैक्स सिस्टम को लेकर के जो जो दिक्कतें जो सामने आई है प्रताप सिंह खाचरियावास ने उसके ऊपर भी ट्रेस आउट किया और यह बताया कि आने वाले दिनों में सरकार इसके विषय पर भी ध्यान दे रही है और कोई न कोई जो एक अच्छे जो रिजल्ट्स की उम्मीद कर सकते हैं लोग। तो कुल मिलाकर अगर बात करें कि रोडवेज, क्योंकि रोडवेज भी जो मैं बता दूं आपको कि विधानसभा के दौरान जो एक बड़ा मसला रहा था, रोडवेज कर्मियों ने कई दिनों तक हड़ताल भी की थी और प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार उनसे मिल रहे थे और उनको भरोसा भी दिया कि जब सरकार सत्ता में, जब कांग्रेस सत्ता में आएगी तो उनकी समस्याओं को ट्रेस आउट करके उनकी जो है दिक्कतें हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो रोडवेज कर्मचारियों के हितों की रक्षा प्लस स्टेट कैरिज जो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जो दिक्कतें हैं उनकी भी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रताप सिंह खाचरियावास लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो भरोसा भी दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार उनके साथ में बैठ करके कुछ न कुछ एक अच्छा है जो है रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। जी रमेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं रोडवेज कर्मियों की एक ये भी मांग थी कि जो पुरानी बसें संचालित हो रही हैं राज्य में उनको बदलकर नई बसों पर ध्यान दिया जाए। लगातार जो रोडवेज कर्मी हैं वो नई बसों की मांग कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको लगता है कि आगे इस और भी कुछ ध्यान दिया जा सकता है या फिर नहीं? जहाँ तक रोडवेज को नई बसें मिलने का सवाल है तो मैं बता दूँ इस बजट में इस तरह के कोई रिसोर्सेज, मैंने पहले से कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज की जो समस्या, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स नहीं, पैसा किस तरह से आएगा, जब सरकार के पास में पैसा आएगा तभी वह नई चीज़ों की खरीद फरोख्त की बात कर सकती है। अब आप देखो कि 300 करोड़ रुपये के नए टैक्सेस और साथ में जो छूट दी गई है उससे जो जो इम्बैलेंस बजट की जो व्यवस्था उभर करके सामने आई है, सरकार के ऊपर लगातार विपक्ष यही सवाल करता आया है कि आपके पास में आने के लिए तो कुछ है नहीं और खर्च करने के लिए इतना जो पैसा आप विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खर्च करना चाहते हैं तो वह पैसा आएगा कहाँ से। दूसरा कि जीएसटी में जो की बात है तो जीएसटी में यह सरकार कुछ कर नहीं सकती क्योंकि यह जीएसटी परिषद और काउंसिल का विषय रह गया। तो टैक्सेशन किस तरह से लगाया जाएगा या पैसा किन किन मदों से किस तरह से टैक्स के रूप में सामने आएगा वो तो इस सरकार के हाथ की बात नहीं है। और जहां तक पैसा लेने की बात थी तो पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो वैट लगा करके जो लिया, तो विपक्ष का यह आरोप है कि बजट सत्र के दौरान सरकार ने पीछे रास्ते से 10,000 करोड़ रुपये का जो टैक्स कलेक्शन की जो बात कही है वही सिर्फ इनके पास में पैसा है, बाकी का जो पैसा है वो कहीं से आना जाना है नहीं। लिहाजा यह अपनी योजनाओं को, इनमें सोशल जो है कल्याण जिसकी आप समाज कल्याण की बात कर रहे हो, अन्य योजनाओं की बात कर रहे हो या जो पूंजीगत व्यय की बात करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हो, विभिन्न योजनाओं पे खर्च करने की बात करते हो, वो पैसा कहाँ से आएगा, इसी के ऊपर जो है विपक्ष का जोर रहा है और वह लगातार इन पिछले 4-5 दिनों से सरकार से यही पूछ रहा है कि जब आपके पास में आने के लिए पैसा है नहीं तो कुल मिलाकर के आप हमेशा जो है केंद्र सरकार के ऊपर ही निर्भर रहोगे। लिहाजा केंद्र सरकार के साथ में अगर तालमेल करके जो राज्य के जो पैसे हिस्से का जो पैसा है वह अगर लगातार आता रहे तब कहीं ना कहीं जाकर के यह सरकार अपनी योजनाओं को फलीभूत कर सकती है, अपनी योजनाओं के लिए जो है पैसे जुटा सकती है। विपक्ष यह भी लगातार कहता आया है कि जब आपके पास में पैसा आने को नहीं है तो आप केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से ही इस बजट में जो आप इतने प्रावधान कर रहे हो, जो योजनाएं बताई गई है वो तो सारा जो है केंद्र से जो पैसा आपको मिलेगा वही आप खर्च करोगे, खुद का पैसा खुद की जेब से कहां तक आपने जो है लिया है इसका कोई जवाब इस सरकार के पास में नहीं है। यही विपक्ष पूरा जो है इस बजट सत्र के दौरान या इस बजट बहस के दौरान लगातार सरकार से पूछ रहा है कि पैसा कहां से आएगा, इसका जवाब दो आप। आज जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जो रिप्लाई देंगे या जवाब देंगे तो उसमें इन इन सारी जो लगातार पिछले 4-5 दिनों से
जो मुद्दे उभर करके सामने आए या जो सवाल उठ करके सामने आए या जो विपक्ष उनसे लगातार जो पूछ रहा है, तो हो सकता है कि आज शाम को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना जवाब दे तो उनमें कुछ इस तरह की एक तस्वीर उभर करके सामने आए कि हमारी इन योजनाओं का जो पैसा किस तरह से हम कलेक्ट करेंगे और इन योजनाओं को किस तरह से पूरा करेंगे ताकि राजस्थान जो है विकास के रास्ते पर, क्योंकि यह जो सरकार है लगातार ये कहती आई है अभी तक इन पिछले 5-6 महीनों में कि बीजेपी खजाना खाली करके गई, पूरा हमारे पास में जो है वो खजाना बिल्कुल कुछ नहीं है हमारे पास में, तो हम किस तरह से आगे इस विकास के रास्ते पर ले जाए राजस्थान को, यही सवाल जो है अब आज इनके ऊपर करके सामने आया है। जब इस सरकार के सामने आया है तब थोड़ी देर बाद में अशोक गहलोत इसके ऊपर पूरी जो है अपनी सफाई देंगे या यूँ कह दें कि जवाब देंगे, तब एक तस्वीर उभर करके सामने आएगी कि कहां पर कितना पैसा आएगा और वो कैसा खर्च होगा जिससे कि लोगों की अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं वह पूरी की जा सके जो यह कांग्रेस सरकार लोगों से करके आई है। जी रमेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं हमने देखा था कि बजट पेश करने से पहले अगर बात करें महिलाओं की, प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ बढ़ते अपराध लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनको जो बजट था उससे काफ़ी उम्मीदें थी, महिला की सुरक्षा को लेकर उन्हें काफ़ी उम्मीद थी कि सरकार कोई ना कोई योजना इसके लिए ज़रूर लाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये बजट जब से पेश हुआ है महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस बजट में कहीं ना कहीं कुछ देखने को खास नहीं मिला, तो इस पर क्या आपकी राय है? महिलाओं की समस्या को लेकर के भी सवाल जवाब उठे हैं, कानून और व्यवस्था को लेकर के सवाल जवाब उठाए हैं, खास करके बजरी और भू माफिया का जो है वो भी मुद्दा उठा है, तो कई ऐसे जो विषय हैं जो इस बहस के दौरान विपक्ष ने भी उठाया है और सत्ता पक्ष ने भी कंसर्न किया है कि इन मसलों को भी सरकार किस तरह से ट्रेस आउट करेगी। कल जब सदन में महिलाओं से संबंधित और ख़ास करके कानून और व्यवस्था से संबंधित जो चर्चा हुई, बहस हुई, उसमें भी जो है विपक्ष ने इस सरकार को पूरी तरह से घेरा, खास करके सरदार शहर की जो घटना है वो हो या एक पुलिस कांस्टेबल की जो है कुछ लोगों द्वारा हत्या की घटना हो या जयपुर के पास में बगरू में जो है एक अपहरण की घटना हो, ये छोटी इन घटनाओं को लेकर के सरकार को कटघरे में खड़ा किया ही नहीं, यह भी जताने का प्रयास किया कि जब से यह कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई है कम से कम 45-47% जो है अपराध बढ़े हैं, तो एक यह भी एक जो है सरकार के सामने चुनौती है कि कानून और व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो। इसके लिए भी आपको ऐसा नहीं है कि व्यवस्थागत जो है दिक्कतें हैं उनको भी दूर, सही है कि पैसा इनको भी अलॉट करना पड़ेगा कानून और व्यवस्था को ठीक करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं के बेरोजगारी के, खास करके जो भत्ते की जो बात करके वो लोग आए थे तो वह भी एक इनके सामने सवाल है, तो कई ऐसे मसले हैं जिनके ऊपर सरकार को आज जवाब देना पड़ेगा कि ये तमाम जो दिक्कतें हैं चाहे वो आधारभूत संरचना की बात हो या समाज कल्याण से जुड़े विषयों की बात हो, इन सभी योजनाओं को जो ये वायदे पूरे करके आई है उनको किस तरह से वह पूरा करेगी, पैसा कैसे खर्च करेगा, विभिन्न विभागों के ऊपर जो बजट एलोकेशन हो चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, ये तो है ही है, इनके ऊपर भी पैसा खर्च होना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा और कैसे होगा इसका तो जवाब है जो अशोक गहलोत थोड़ी देर के बाद में जब वो अपना जवाब देंगे तब और ज़्यादा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि जो पैसे का एलोकेशन है और खर्च का जो निर्धारण करने का जो तरीका है वो किस तरह से होगा, तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए कि जब वो जवाब आवे तब कहाँ कहाँ पे किस तरह से जो है विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए थे, मसले उठाए थे, सरकार उनके समस्याओं के समाधान को किस तरह से हल करेगी, ट्रेस आउट करेगी ताकि जो जिन वायदों को लेकर के ये सरकार सत्ता में आई है उनको वो पूरा कर सके। एक आपको रोड मैप देना पड़ेगा, इस सरकार को यह बताना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में जो इस बजट सत्र के दौरान जो घोषणाएं की गई है उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा। जी आयुष जी, रमेश जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बात करें आज की कार्रवाई की तो आज किन अहम मुद्दों पर जो सदन है उन पर बहस छिड़ सकती है, क्या कुछ आज के अहम मुद्दे रहेंगे?
आज अभी तो जो प्रश्नकाल खत्म हुआ इसके बाद में कुछ जो विधायी कार्य वो रहेंगे और बाद में लगभग 2 बजे के आसपास जो है बजट के ऊपर जो बहस है वह जारी रहेगी। इसके बाद में प्रतिपक्ष के नेता जो है इस बहस का जो है बहस में भाग लेंगे। जब कटारिया जो है गुलाबचंद कटारिया इनका जब भाषण हो जाएगा उनके बाद में अशोक गहलोत जो है सदन के नेता है वह अपना जो है इन जो पिछले 4-5 दिनों से जो बहस चली है बजट का उसका रिप्लाई देंगे उत्तर देंगे। यह है अभी तक जो। चलिए रमेश जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, बजट को लेकर कितनी संतुष्ट जो प्रदेश की जनता है वो अशोक गहलोत की जो ये बजट था उससे कितनी संतुष्ट है? मैंने पिछले कई दिनों से जो है कई वर्गों से बात की, समाज से बात की, लोगों से बात की, तो कुल मिलाकर जो आर्थिक और व्यावसायिक जगत है वह इस बजट से संतुष्ट है। वह कह रहा है कि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके यह बजट जो है पेश किया गया है और जो अन्य वर्ग है जिसमें महिलाएं भी हैं युवाएं भी हैं उन्होंने भी इस सरकार पर भरोसा जताते हुए यह कहा कि इस सरकार को थोड़ा सा वक्त दें ताकि इसकी जो जो यो जो योजना है वो लेकर सामने आए, जो वायदे लेकर के वो सामने आए वह उनके हितों की पूर्ति करने के लिए सक्षम है। लिहाजा कुछ वक्त अगर इस सरकार को दिया जाएगा तो निश्चित रूप से बजट प्रावधान के अनुरूप यह जो सरकार काम करने वाली है वह निश्चित रूप से पूरा होगा और खास करके यह बजट शॉर्ट टर्म लाभ के लिए नहीं बल्कि एक दीर्घकालीन योजना और परियोजनाओं को साथ में लेकर के जो बेस और फाउंडेशन बनाने का जो काम किया है इस सरकार ने तो वो लोग सभी संतुष्ट हैं कि यह सरकार एक अच्छी दिशा में एक अच्छा बजट लेकर के उस पर अच्छा काम करने जा रही है। जी रमेश जी फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार हम बता रहे थे आपको कि विधानसभा में लगातार बजट सत्र को लेकर विपक्ष और पक्ष की चर्चा लगातार जारी है। अब आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहां पर लगातार प्रश्नकाल जारी है। सौर ऊर्जा से उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु सौर ऊर्जा नीति 2014 जारी की गई है। अब तक अक्षय ऊर्जा निगम में पंजीकृत संयंत्रों में से 3,296 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वितरण निगमों द्वारा सौर ऊर्जा की खरीद निविदा प्रक्रिया द्वारा की जा रही है जिसके कारण इसकी दर परंपरागत ऊर्जा से भी कम स्तर पर है। इसके अतिरिक्त आम व्यक्ति भी अपने घरों की छतों पर रूफटॉप योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। रूफटॉप योजना अंतर्गत घरेलू क्षेत्रों में MNRI भारत सरकार द्वारा दे 30% अनुदान का लाभ देते हुए रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए हैं। भविष्य के लिए केंद्र सरकार की निम्न योजनाएं स्वीकृत है। 1. वर्तमान में देश भर में घरेलू क्षेत्रों में वर्ष 2022 तक कुल 4,000 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की तो चलिए आप देख रहे थे ये लगातार हम लाइव तस्वीरें आपको विधानसभा से दिखा रहे थे जहां पर लगातार बजट को लेकर चर्चा जारी है। पक्ष लगातार जो विपक्ष है वो राज्य सरकार को घेर रहा है। अब शाम 5 बजे जब अशोक गहलोत जब विधानसभा में मौजूद होंगे तभी जो बजट को लेकर है वो चर्चा आगे की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।